कांकेर में पत्रकार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लगातार भ्रष्टाचार की खबरों से नाराज होकर कांग्रेस नेता के साथ मिलकर कुछ युवकों ने पत्रकार कमल शुक्ला पर हमला कर दिया। उधर कांग्रेस ने मारपीट करने वाले कांग्रेस नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पत्रकार कमल शुक्ला ने बताया कि पूरा विवाद नगर पालिका के भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरों की वजह से हुआ है। वे लगातार इस तरह की खबरें लिख रहे थे, यही वजह थी कि इलाके के जितेंद्र सिंह, गफ्फार मेमन, गणेश तिवारी ने उन पर हमला किया। घटना तब हुई जब कमल एक और पत्रकार के साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचे थे। थाने में पहले से ही मौजूद जितेंद्र सिंह और उसके साथियों ने कमल पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले कांग्रेसी आदतन अपराधी रहे हैं। दरअसल रेत माफिया के खिलाफ पत्रकारों ने एक अभियान चला रखा है जिसमें कांग्रेस के नेता शामिल हैं। इन खबरों से रुष्ट इन नेताओं ने पहले पत्रकार सतीश यादव को पीटा और पीटते हुए थाने भी लेकर गए। बाद में कमल शुक्ला को भी पुलिस के सामने ही जमकर पीटा। मेरे साथ मारपीट चालू हो गया है। मारपीट करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष, जो अपने आप को नगर पालिका अध्यक्ष अभी भी बोलता है जबकि उसकी पत्नी है, कोलिया जितेंद्र सिंह ठाकुर जो पुराना गुंडा रहा है वो है, गणेश तिवारी जो जिला बदर रह चुका है कांकेर में वो सारे लोग जानते हैं वो है, जिसके खिलाफ मैं समाचार लिख ही रहा था। जो पहले से कोमरे ने जो है 2 दिन पहले मेरे को फ़ोन में धमकी दी थी, मैंने सबको बताया था, फोन फेसबुक में सब लिखा हुआ था। ये सारी जानकारी कांकेर के पुलिस को प्रशासन को था। मैं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो आज मारपीट हुआ है वो नगर की जनता को चुनौती है कि अगर इस मामले में सबके सब साथ नहीं दिए तो एक एक आदमी की इसी तरह की पिटाई होगी। इसलिए मैं नगर की जनता से आह्वान करता हूँ, पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों से भी आह्वान करता हूँ कि 2 तारीख को जो हमारा कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन था उसको ये लोग प्रभावित करने के, वो सारे भ्रष्टाचारी, सारे दुराचारी, सारे कांग्रेस के गुंडे एक हो गए हैं जो अवैध कारोबार का संचालन कर रहे हैं। घटना के विरोध में पत्रकारों ने धरना देकर कलेक्टर को तत्काल हटाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। पत्रकारों का आरोप है कि परोक्ष रूप से कलेक्टर का रेत माफिया को संरक्षण मिला हुआ है। 2 अक्टूबर को जिले के पत्रकारों द्वारा कलेक्टर के खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया जाने वाला था। कलेक्टर इस बात से कुछ पत्रकारों से बेहद खफा थे जिसमें प्रमुख तौर पर सतीश यादव और कमल शुक्ला थे। पत्रकारों के धरने में कांकेर के सांसद मोहन मंडावी भी शामिल हुए। ये हमारे प्रजातंत्र में हमारे जो चौथा स्तंभ पे ऊपर आक्रमण हुआ है, किसी एक कमल शुक्ला और किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे पत्रकार जगत के ऊपर आक्रमण हुआ है, पूरे देश के ऊपर आक्रमण हुआ है। मैं कल गांव से रात में आया, शाम को ही मेरे को कुछ लोग बताया और व्हाट्सएप में देखा, इतने गंदी गाली दे रहे हैं जिनके बारे में हम बता नहीं सकते। ये सरकार जब से आई है पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हो रही है, गांव-गांव में रोड पुलिया गुणवत्ताविहीन बनते जा रहे हैं, पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, रेत माफिया, जुआ सट्टा, शराबखोरी हो रहा है और मीडिया इनको ना बताए ये करके ये लोग दबाना चाहते हैं। आज मुझे बड़े दुख हुआ कभी पता चला कि हमारे पत्रकार साथी लोग यहाँ बैठे हैं। मैं डॉक्टर रमन सिंह से मैं बात किया कि मैं धरना प्रदर्शन में जा रहा हूँ करके, हमारे डॉक्टर रमन सिंह भी बोले मैं भी आपके साथ में धरना में हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।